गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लव जिहाद को लेकर एक बार फिर कहा कि वे लव के विरोधी नहीं है, लेकिन जो जिहाद और आतंकवाद की ओर ले जाए उस पर कार्रवाई की जाएगी। लव जिहाद कानून को विधानसभा सत्र में लाया जाएगा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ ऐसे पहले मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने आज तक पूरे जिले नहीं देखे। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कमलनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं जो आज तक पूरी विधानसभा नहीं गए, प्रदेश के जिलों का जायजा नहीं लिया। उनके रहते 3 चुनाव हुए लेकिन उन्होंने पूरे जिले नहीं देखे। नरोत्तम ने लव जिहाद को लेकर कहा, जो भी देश को आतंकवाद और जिहाद की ओर ले जाएगा उसके वे विरोधी हैं और इस पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा वे इस विषय पर दूसरे राज्यों से भी सलाह ले रहे हैं और इस सत्र में इस पर कड़े कानून बनेंगे। माफियाओं पर कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा, माफिया किसी भी पार्टी का हो उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि एकमात्र प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री भी रहे 15 महीने तक, जो नेता प्रतिपक्ष भी है, जो इनके नेतृत्व में पिछला चुनाव भी लड़ा गया, इनके नेतृत्व में उपचुनाव भी लड़ा गया, उसने आज तक पूरे जिले नहीं देखे, पूरी विधानसभा नहीं गई वो आज तक। ऐसा पहला व्यक्ति होंगे ये जिसने अभी तक 230 विधानसभा पूरी नहीं देखी है। अगर वो इस बात का खंडन करें तो मैं बता दूंगा कि कौन सी विधानसभा नहीं गए। वैसे तो जो भी समझदार होगा, जो भी बुद्धिजीवी होगा, वो कभी किसी जिहाद के पक्ष में नहीं होगा, पर कांग्रेस ही तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से कांग्रेस रसातल को जा रही है। कोई भी लव लव के विरोधी नहीं है, पर जो लव जिहाद की तरफ ले जाए उस जिहाद के विरोधी हैं। और इसलिए कोई भी जिहाद देश के अंदर नहीं चलेगी, कोई आतंकवाद नहीं चलेगा, ये मोदी जी की सरकार है। जहां तक इस कानून का है तो मैंने पूर्व में भी कहा कि इसे हम और कठोर बनाएंगे। हम बाकी के प्रदेशों की भी राय जो हो रही है वो इस बारे में ले रहे हैं, उनसे उसकी गंभीरता को भी समझ रहे हैं और इन सारे बिंदुओं को समाकेत करने के बाद में हम विधानसभा में लाएंगे। माफिया कोई भी हो सख्ती से पेश आएंगे हम उनके साथ में। वो कांग्रेस नहीं किसी भी पार्टी का हो, अगर वो माफिया है हम सख्त पेश आएंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।